दोस्तों गाइस, दोस्तों का दोस्त अखिलेश कुमार, आपको मैं एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मंदिर राम जानकी मंदिर, जो अयोध्या से करीब 12 किलोमीटर दूर पे ये भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भरत कुंड, ये राम जानकी मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये राम जानकी का मंदिर। आज यहाँ पे एक बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का बर्थडे है जिसके लिए यहाँ पे लोग आए हैं, और ये बच्चा छोटा सा आपको दिख रहा है, इस बच्चे का नाम है, क्या नाम है बाबू आपका? आदित। इस बच्चे का नाम है आदित है। इनके मामा देखिए, सौरभ जी, सौरभ मिश्रा जी, ये हमारे चाचा जी हैं, ये प्रधान जी हैं, दयाराम प्रधान जी। इनका दबदबा काफ़ी अच्छा है इस इलाके में, और ये हर संडे को यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए कि ये जगह जो है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी पुरानी है, और इसीलिए ये हर संडे को यहाँ पे ज़रूर एक बार दर्शन करने आते हैं। यहाँ की जो आपको मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, विशेषकर क्या है कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर अयोध्या जी है, और वहाँ से ये देखिए जी निखिल कुमार जी हैं, जो कि सभी लोग मिलकर इस बच्चे के बर्थडे में सम्मिलित होने आए हैं, और इस बच्चे के बर्थडे में सम्मिलित इसलिए आए हैं कि ये खास जगह माना जाता है, और काफ़ी लोग अभी से देखिए आने शुरू हो गए हैं। ये बच्चे की फैमिली हैं जो कि बर्थडे में शरीक होने आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह पे ये एक भरत कुंड के नाम से जो कुंड है, और इस जानकी, राम जानकी मंदिर में ये जो है कुआं है, ये कुआं है, और प्रसिद्ध ये है कि भरत जी जो थे, इस कुएं के पानी से उनका राज्याभिषेक हुआ था, और देखिए यहाँ पे हर समय कीर्तन होते रहती है, और यहाँ पे राम जानकी मंदिर प्रसिद्ध है। और मैं आपको नेक्स्ट जगह यहीं पे करीब 50 मीटर की दूरी पे भरत कुंड में का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, और यहाँ पे देश विदेश के लोग इस जगह पे आते हैं, और ये देश विदेश में फेमस है। राम जानकी मंदिर, ये देखिए लिखा हुआ है कोठार, मतलब इसमें जो ये मंदिर के साधु संत हैं ये रहते हैं, इनका निवास स्थान बनाया गया है। और ये देखिए श्री धनुधार्य नमः, श्री धनुधार्य नमः, देखिए प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर, श्री सीता राम मंदिर, और ये जो भी यहाँ के साधु संत हैं इनके रहने के निवास स्थान बनाई गई है। ये हमारे वकील साहब देखिए, जो बच्चे हैं इनके पापा जी हैं, और ख़ास करके इस जगह पे इसीलिए आए हैं कि ये प्राचीन सभ्यता से बनी प्राचीन मंदिर है राम जानकी मंदिर, और अपने बच्चे के बर्थडे में ये आए हैं जी। तो वकील साहब, आप कुछ अगर कहना चाहते हैं कि क्या आपको यहाँ पसंद आया, और क्यों मतलब कि यहाँ पे अपने बच्चे के बर्थडे में इस जगह को आपने चुना है, कुछ बताएं आप जी। यहाँ भगवान राम के प्रेम में भरत जी यहाँ 14 वर्ष तपस्या किए थे, इसलिए तपोभूमि माना जाता है, और यहाँ लोगों का यह कहना है कि दूर दूर से लोग आए हुए जो भगवान भरत की तपस्या में शामिल होते हैं, और 24 घंटे भगवान राम सीता का जाप होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी और मौजूदा टाइम की जो पीढ़ी है वो कुशल मंगल और सपरिवार ठीक ठाक सब रहते हैं, भगवान की कृपा है। और एक बहुत सुंदर और शांत वातावरण और शांत तपोस्थल भगवान भरत जी का है, और पवित्र स्थान हाँ, पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। भगवान भरत जी के जमाने में एक कुआं था, जो कुआं आज भी मौजूद है, भगवान भरत पानी पीते थे, वो कुआं आज भी प्राचीन सभ्यता से लेके आज तक मौजूद है। और कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में आप? अब इस जगह के बारे में और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, अब इसी मंदिर के प्रांगण में जो
संत महादेव जी हैं, मैं उनसे दो बातें करना चाहता हूँ। आप ज़रा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा संत महाराज जी कि आप दो बातें यहाँ के बारे में कुछ बताएं। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जैसे ये मंदिर जो है राम जानकी मंदिर जी, ये प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ पे सबसे पहले परम पूज्य गुरु वशिष्ठ जी यहाँ रहते थे। अच्छा। उनका आश्रम हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ यहाँ पे नंदी को छोड़कर गए थे। अच्छा, अच्छा। भगवान राम जी जो अयोध्या में अवतार लिए थे। हाँ हाँ। इसलिए इसका नंदीग्राम नाम पड़ा। अच्छा, नंदीग्राम नाम पड़ा। भरत जी जब चित्रकूट से लौट कर आए है, चौड़ पादका को स्थापित करके उसके बाद में कुछ समय के बाद में यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या किया। अच्छा। तो इसीलिए नंदीग्राम भरत उनके नाम से ये पूरे विश्व में विख्यात है, जाना जाता है। ये पूरे विश्व में विख्यात है जी। यहाँ पे जो अक्षय भट्ट है ये वही माना जाता है कि भरत जी के अक्षय भट्ट, इसको आप बता रहे हैं जी? अच्छा, ये अक्षय भट्ट है जो कि इसके बारे में संत जी महाराज बता रहे हैं। ये अक्षय भट्ट काफ़ी पुरानी है, इसका आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी का विशाल वृक्ष है ये, इसके बारे में ये कुछ बता रहे हैं, आप बताएं। ये वृक्ष जो है इसकी लटा तभी से जमीन को नहीं छूती है। अच्छा। भरत जी जब तपस्या कर रहे थे उसी समय हनुमान जी धौलागिरी पर्वत को जब ले जा रहे थे तो भरत जी ने यहीं से बाण उनको मारा और बाण लगते हुए हनुमान जी जब गिरने लगे तो सारी लटाएं जो हनुमान जी को ये उठा लिया। वही आज ये वर्तमान में भी वही देखने को मिलता है कि सारी लटाएं जो हैं एक दूसरे को उठा रही हैं, यही ज्ञान दे रहा है कोई व्यक्ति अगर गिर रहा। बहुत अद्भुत, तो बहुत अद्भुत चाहिए। संत महाराज जी ने बहुत अद्भुत चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी विशेषता है कि प्रभु राम जी जब वापस आए थे तो राम जी और भरत जी दोनों गले मिले थे, ये मिलन का भी प्रतीक, मिलन का भी प्रतीक है। इसी में इसी तरह सभी देवताओं का इसमें आकार भी आपको दिखाई देगा। एक जगह भगवान गणेश जी विराजमान है, एक जगह भगवान की धनुष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहीं पे 27 तीर्थों का जल है जो प्रभु रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए आया था। बहुत सुंदर संत महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बहुत अद्भुत बातें इन्होंने बताई संत महाराज जी ने। आप जरा एक बार देखिए यहाँ पे नज़ारा जो है, दृश्य जो है बहुत अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे रौनक धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। लाइट वाइट का भी व्यवस्था है और खुले वातावरण में ये दृश्य जो है, जैसे जैसे शाम होगी यहाँ लाइट सारी जलेगी और लोग आना जाना प्रारंभ करेंगे और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का लगता है। अभी मैं आपको यहाँ का भरत कुंड से भी अवगत कराऊंगा। प्राचीन भरत कुंड मंदिर है, उससे मैं अवगत कराऊंगा। फिलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देखें और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी सौंदर्य, ऐसी खूबसूरत चीज़ से मैं आपको अवगत कराता रहूं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।